ओम शांति। एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट आपके सामने आ रहा है, संस्कार परिवर्तन। हर व्यक्ति में अच्छे संस्कार भी होते हैं और थोड़े ऐसे वैसे भी। मनुष्य के अपने ही संस्कार किसी को सुख देते हैं या किसी को दुख देते हैं। ये संस्कार ही हैं, अच्छे संस्कार हैं तो परिवारों में शांति है, खुशी है, प्रेम है, और संस्कारों में टकराव है तो वही सुखी जीवन, पारिवारिक जीवन। कितना कष्टमय जीवन हो जाता है चारों ओर संसार में, आज ये दिखाई दे रहा है। हम सभी जो ईश्वरीय मार्ग पर चलने वाले हैं, उन्हें अपने मूल संस्कारों का ज्ञान हो गया है और पता चल गया कि ये जो वर्तमान संस्कार हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये बीच में आए हैं, माया के हैं। हमारे संस्कार तो कुछ और हैं। साथ साथ संस्कारों को बदलने की विधि का भी ज्ञान हमें मिल गया है। और इससे भी सुंदर बात, हमें ये भी पता हो कि अपने संस्कारों को बदलने की शक्ति भी हमारे अंदर है ही वो, उससे हम इनकार नहीं करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी मनुष्य को अपने उन संस्कारों का पता होना चाहिए जो गलत हैं, जो स्वयं को कष्ट दे रहे हैं या दूसरों को दुखी कर रहे हैं, जिन संस्कारों के कारण हमारी सफलता के मार्ग में दीवार खड़ी हो गई है, या जिन संस्कारों के कारण हमारे परिवार टूट रहे हैं, जिन संस्कारों के कारण मनुष्य मानसिक रूप से परेशान हो रहा है। एक अच्छे मनुष्य को, एक बुद्धिमान मनुष्य को अपने इन संस्कारों की अवेयरनेस होना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को हम देखते हैं उनमें कुछ गलत संस्कार है लेकिन उन्हें उसका पता नहीं, वो उसको मान्यता दिए हुए आई एम राइट। परंतु कुछ संस्कार जैसे फीलिंग आना, बहुतों को पता रहता है मुझे फीलिंग बहुत आती है, मुझे इसको बदलना है, लेकिन बहुत लोग इसकी विधि नहीं जानते कि बदलें कैसे। किसी में क्रोध का संस्कार है, कईयों को समझ में नहीं आता कि ये गलत है और मैं इसे कैसे बदलूं। लेकिन जिस मनुष्य को यह आभास हो जाता है कि ये संस्कार गलत हैं और मुझे इनको बदलना है, ईश्वरीय ज्ञान से संपन्न आत्माएं उसको सहज ही बदल सकती हैं। हमारे पास योग की शक्ति भी है, हमारे पास विवेक की शक्ति भी है, और हम संकल्प शक्ति भी रखते हैं कि मुझे बदलना है, अपने लिए शुभ भावनाएं भी रखते हैं। तो आइए हम सभी अपने आदि अनादि संस्कारों को पहचान कर अपने जीवन को उनका स्वरूप बनाएं, ताकि हम इस जीवन में देवतुल्य बन जाएं, फरिश्ते बन जाएं, बहुत हल्के हो जाएं, हमसे संसार को पवित्रता का दान मिलने लगे, हमारे बोल दूसरों को खुशी बांटने लगे, हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को चैन देने लगे, हमारा व्यवहार दूसरों को श्रेष्ठ व्यवहार करना सिखाने लगे। तो हम सभी के पास ये कला है, ये ज्ञान है, बस इच्छा दृढ़ करेंगे। और यदि हम अपने किसी भी संस्कार को बदलना चाहेंगे तो ईश्वरीय शक्ति हमें साथ देने लगती है और हम बदलने में सफल हो जाते हैं। मेरी शुभ भावनाएं हैं सभी अपने आदि अनादि संस्कारों का स्वरूप बन जाएं, सभी के संस्कार सुखदायी बन जाएं, प्रेम बांटने वाले बन जाएं और जीवन सुखों का, खुशियों का भंडार बन जाए, आपके परिवारों में प्रेम की गंगा बहने लगे।
ओम शांति।